जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ ये आलमदीन की जो है ईमानदारी की खबर है, यानी आलमदीन को जो है एक वॉलेट मिला है और इस वॉलेट में लगभग 12,000 से भी ज्यादा महंगी चीज है। अब मैं आपको ये बताऊंगा नहीं कि इस वॉलेट में क्या है और ना ही उन्होंने बताया, लेकिन जिस किसी का भी ये वॉलेट अगर घिरा है, ये वॉलेट जो है गड़सू पुलडोडा जो नेशनल हाईवे है बिल्कुल वहां पर घिरा है, जो शिवा रोड वहां से निकलती है वहां आसपास घिरा था। उसके बाद ये वॉलेट उनको मिलने के बाद उन्होंने तुरंत मेरे को फोन किया और कहा कि ये किसी का वॉलेट गिर गया है और इसके अंदर बिल वगैरह भी है और इसकी कीमत जो है 12,000 से भी ज्यादा है, यानी कितनी मेहनत और लगन से शायद किसी ने कमाया हो और उसके बाद ये वॉलेट गिर गया हो, यानी किसी महल्ला का। अब ये वॉलेट किसका है, अगर किसी ने ये खबर देखी तो जरूर इस नंबर पे कांटेक्ट करें। आलमदीन जो है प्राणू के रहने वाले हैं और उनकी ईमानदारी को जो है सलाम है, लेकिन अब आप सब लोगों का ये काम है कि ये खबर उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों का ये वॉलेट गिरा है और शायद वो परेशान होंगे कि आखिर इतनी कड़ी मेहनत के बाद ये चीजें खरीदी गई थी और वो भी जो है गिर गई। अब ये जिम्मेवारी हम सब लोगों की बनती है कि ये चीज उन तक पहुंच जाए वापस, और जिस किसी की भी हो तो उसको प्रॉपर उस बिल का बताना है कि कहां से ये खरीदी थी और कितनी इसकी कास्ट थी, क्योंकि बिल पे साफ तौर पे लिखा है और उस दुकानदार का पता भी लिखा हुआ है जहां से ये चीजें खरीदी गई है। एक वॉलेट है और इतनी महंगी चीज, और तुरंत ये अगर कोई भी खबर देख रहा है उस महल्ला तक या उनकी फैमिली तक ये पहुंचती है, और जिस किसी का भी अगर वॉलेट है तो ये जो है उनको मिल जाना चाहिए। और खबर जरूर शेयर कीजिएगा, अगर किसी को ये पता चलता है तो आलमदीन जी के इस नंबर पे कांटेक्ट कर उनसे बात कीजिएगा, लेकिन फोन बस वही कीजिएगा, बिना मतलब के लोग जो है फोन नहीं कीजिए। आपको अपनी वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि इसमें कितने की इसकी कीमत थी और क्या क्या चीजें थी, उसके बाद ही आपको ये मिलेगी। आलमदीन जो है आज श्रीनगर की तरफ जा रहे थे और इसी कारण जो है उनकी फोन रिकॉर्डिंग भी मैंने की है और क्या कहा उन्होंने ये भी। हेलो हेलो सर, अपना नाम बताएं और ये वॉलेट आपको कहाँ मिला था? मेरा नाम आलमदीन है, मैं ये गड़सू के मकाम है, ये सुगवाड़ी गड़सू के मकाम पर मेरे को ये मिला है। ये कहाँ पे, कहीं रोड पे पड़ा हुआ था क्या था? यहाँ रोड के साइड में पड़ा था, वहाँ से मैंने ये उठाया, मैंने ये रोड के साइड में पड़ी हुआ। जब आपको ये वॉलेट मिला उसके बाद जब आपने खोला तो क्या चीजें थी इसमें? इसमें दो आइटम हैं दी थी, तो एक आपने साथ में एक लेटर सा भी डाला है जिसमें शायद बिल वगैरह है वो, और इसकी कास्ट लगभग कीमत इसकी 12,000 से ज्यादा है ये। हाँ हाँ बिल है एक इसमें, वो कोई डोड़ा सी कोई ड्राइवर वाला है, कोई डोड़ा का बिल है उसके नाम से, ये कोई दुकान से शॉप से लिया हुआ है। सर आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं मुगल मार्केट से थोड़ा पीछे रहता हूँ, 1 किलोमीटर पीछे। ये प्राणू? हाँ प्राणू वाली साइड है, प्राणू। तो ये जो आपको जो भी चीज मिली है, आप खबर हम तो लगा देंगे कि इतनी कीमती चीज किसी गिर गई है, और अगर रास्ता करना चाहे आपका नंबर भी डाल देंगे, लेकिन एक सवाल यहाँ से आपकी ईमानदारी से भी खड़ा होता है कि मतलब आपको ये चीज मिलने के बाद आपने तुरंत मेरे को फोन भी किया कि ताकि उस इंसान तक ये चीज पहुंच जाए। जी 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 बिल्कुल। तो क्या किसी और से आपने आसपास किसी से रब्ता नहीं किया कि किसी का कुछ घिरा है या कुछ कोई चीज ऐसा कुछ? नहीं, मैंने डायरेक्ट आपके साथ रब्ता किया और अबाबील ग्रुप उनके साथ रब्ता किया। अच्छा जी, चलिए सर आपका नंबर हम न्यूज़ में डाल देंगे और शायद जिसका होगा प्रॉपर तरीके से वो वेरीफाई भी करेंगे और बता भी देंगे कि उन्होंने कहाँ से लिया था, क्या चीज़ें की थी। जी, उसको ये पता होना चाहिए कि ये कितनी आईडी में क्या है वो, और वेरीफाई होना चाहिए कि आदमी वही है जिसका है बेचारे का ये, जिसकी अमानत है। कितनी कीमत भी थी इसकी? हाँ कितनी कीमत भी थी ये, और ये आईडी में क्या है, इसमें कब लिया है, किस टाइम घिरा है, ये कहाँ पे गिरा है, वो वेरीफाई पूरा होना चाहिए, जिसका हो बेचारे को उसको इंसान को मिलना चाहिए। तो अब इंसान को घिरने का तो नहीं पता होगा कि कहाँ पे घिरा है, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से वो प्रॉपर बता देगा कि इसमें क्या चीजें थी और किस दुकानदार से उसने ये चीजें ली है और जिसकी कीमत इतनी ज्यादा है। जी
बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी ईमानदारी को सलाम है, क्योंकि देखिए ऐसे जैसे लोग कम ही मिलते हैं हमारी सोसाइटी में। क्योंकि देखिए इतनी कास्टली वाली चीज हो सकता है कोई जेब में रख लेता या अपने घर ले लेता, लेकिन फिर भी आपने अपनी ईमानदारी दिखाई, उसके लिए आपका धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।